थे आप लोग उस क्लास में, पढ़ रहे होंगे। मैंने आपको फिर ये कहा था कि बेटा इस सपने को घर जाके किसी ऐसी चीज पे लिख लेना कि आपको हर दिन वो चीज याद आए कि मुझे ये बनना है। ठान ली एक बार, खटक गई तो खटक गई। आई हैव टू बिकम मींस आई हैव टू बिकम। किसी ने कहा था सर मुझे जीनियस बनना है, आई हैव टू बिकम द जीनियस। बोलो आई एम द जीनियस, आई एम द जीनियस, आई एम द जीनियस, आई एम द जीनियस। तो ये जो चीज होती है अपने आप को जब आप याद दिलाओगे तो इस सपने को पूरा करो। कहा था मैंने ये चीजें लगभग इसको आदि हो गए होंगे। कल थी 24, 24 तारीख। ये कल का पेपर है। एक बहुत बड़े मैनेजमेंट गुरु होते हैं इंडिया के, एन रघुरामन, इंडिया बिगेस्ट मैनेजमेंट गुरु के नाम से जाने जाते हैं। उन पर्सन ने कल एक आर्टिकल लिखे है, अपने सपने के बारे में रोज खुद से बात करें, अपने सपने के बारे में रोज खुद से बात करें। ओके, स्टोरी कुछ और लिखी हुई है, स्टोरी आपको नहीं पढ़ के सुना सकता, बट लास्ट में बॉटम लाइन उन्होंने लिखे है, मॉरल ऑफ द स्टोरी लिखे है, अपने सपने को बच्चों की तरह पाले, मतलब बच्चों के साथ पालते हैं ना, अपने सपनों को उस तरह से पाले, रोज खुद से बात करे और याद दिलाए कि आपको इसे हासिल करना है किसी भी कीमत पर। यही निरंतरता आपको आपका सपना पूरा करने में आपकी मदद करेगी। ठीक है, ये आया 24 मई के पेपर में और शायद मैं आपको ये 15 या 16 मई को ये चीज बता दिया कि अपने सपने को आप पालो, याद दिलाओ अपने आप को कि मैं ये चीज कर सकता हूँ, मुझे ये चीज करना है। अगर मुझे इंजीनियर बनना है तो इंजीनियर ही बनना है, अच्छा अगर मुझे डॉक्टर बनना है तो डॉक्टर ही बनना है, अगर मुझे प्लेयर बनना है तो प्लेयर ही बनना है, चाहे कुछ हो जाए भी। ओके डियर्स,